नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरोजनी नगर तहसील में प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। लखनऊ में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर शंभू सरण की अध्यक्षता में तहसील सरोजनी नगर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा सरोजनी नगर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर, लायंस क्लब इंटरनेशनल व नवसृजन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन नवसृजित तहसील सरोजनी नगर में आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार सरोजनी नगर व राजस्व निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह, राधेश्याम व नीरज कुमार गुप्ता, प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर डॉक्टर वसीम व लायंस क्लब इंटरनेशनल लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी व नवसृजन चैरिटेबल ट्रस्ट के अरुण प्रताप सिंह व स्वामी योगानंद सरस्वती, रविंद्र कुमार हर्षिता श्रीवास्तव व उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के लखनऊ के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ला व तहसील अध्यक्ष सरोजनी नगर आनंद प्रकाश तिवारी व तहसील मंत्री सुधीर कुमार शर्मा व उपाध्यक्ष अभिषेक यादव सहित तमाम लेखपाल बंधु, मीडिया बंधु व प्रमुख पूर्व ब्लॉक प्रमुख काकोरी रामविलास सिंह, तहसील अध्यक्ष वार एसोसिएशन सरोजनी नगर, उपाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा व अधिवक्ता गण व गणमान्य व्यक्तियों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर कोरोना काल में युवा योद्धा टीम के सदस्यों को लायंस क्लब इंटरनेशनल लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रमुख रूप से समृद्धि शर्मा, अनायिका पाठक, भुवन जायसवाल व शौर्यम शर्मा रहे, जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के छात्र हैं। इन युवा योद्धा टीम के द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया। कमलेश चौधरी की रिपोर्ट। एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हम सभी लोगों का जो योगदान है इस बात को लेकर के है कि हम लोग जो है नेचर को जितना अपने करीब ला सकते हैं अपना लाइफ, और मैं सबके लिए सबका आभारी हूँ जो इन्होंने सहयोग किया है, चाहे लायंस क्लब हो, लेखपाल एसोसिएशन हो, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर के जो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, ये सबका हमारा बहुत बहुत आभार है। लोगों को बहुत अभी जो लोग कुछ बच्चों को आपने सम्मान पुरस्कार वितरित किए, क्या उनका योगदान रहा है कोविड काल में? ये बच्चे युवा योद्धा के नाम से हैं, और ये बच्चे चार बच्चे जो थे, हम लोगों को ये पता चला कि ये बच्चों ने अपने जेब खर्च से कोरोना काल में अपनी जेब से इन्होंने सैनिटाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटरी, थर्मल स्कैनर और भी चीज़ें अपनी जेब से इन्होंने खर्च किए हैं। तो हमें लगा कि तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, क्योंकि जो है उस पीरियड में जिस पीरियड में लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, तो ऐसे लोगों का सम्मान करना हम लोगों ने मतलब अच्छा लगा, हमें लगा हम लोग भी गौरवान्वित होंगे ऐसे लोगों का। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये बच्चों ने जो अपने पैसे से जेब खर्च से अपना खर्चा किया है, तो क्या इनके एनजीओ के माध्यम से है कि इन्होंने अच्छी बना जेब खर्च किया है? अच्छा, अपने जो तो सर इसमें शासन कोई इनकी मदद करेगा, आप लोगों के द्वारा कुछ हो पाएगा? शासन के मामले में तो हमें लगता है कि बेहतर रहेंगे, आप लोग बता पाएंगे, पर हम लोग से जो भी सुविधा हो सकती है, जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। वृक्षारोपण का क्या कार्यक्रम है आज? जो है हमारे पूजनीय बापू जी की जयंती थी, हमारे प्रधानमंत्री उपप्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी की जयंती थी, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम और ये लायंस क्लब इंटरनेशनल नवसृजन संस्था द्वारा आपस में बात हुई कि इसके लिए कोई श्रद्धांजलि देनी है या उनके विचारों पे चलना है, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे समाज को एक प्रेरणा मिले। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया और बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम तहसील में जो नहीं बनी है अभी, पेड़ थे नहीं, ये वो यहाँ लगाया जाएगा, जो जनता आएगी उसको छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, उससे आज की हमारी जो जयंती थी उसका इससे बड़ा और हम लोग इंतजार नहीं कर सकते थे, तो वो हम लोगों ने किया है। कितने वृक्ष आज यहाँ लगाए गए हैं? करीब 200 वृक्ष लगाए गए हैं, इसमें फलदार हैं, छायादार हैं, फूल हैं, सब तरह के वृक्ष लगाए गए हैं, ताकि जब तहसील यहाँ स्थानांतरित हो यहाँ पर अच्छा लगे, छाया मिले, फल भी मिले, फूल भी दिखें, तो थोड़ा ये अच्छा भी रहे। इन वृक्षों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ चौकीदार रखा हुआ है, जिस समय तहसील हम लोग महदूर होगी, हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग सुरक्षा व्यवस्था करते रहेंगे, बीच बीच में भी हम लोग इसके लिए देख रेख के लिए आते रहेंगे और पूरा इस पर ध्यान रखेंगे, ताकि हमारे लगाए हुए बस चले, जब कोई तहसील आएगा तो उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि भाई देखिए इन लोगों ने लगाया था, हम भी लगाएं, कहीं ना कहीं प्रेरणा के लिए हम लोगों ने यह कार्य किया है।
यहाँ तहसील शिफ्ट होने में कितना समय लगेगा सर, कब तक आ रहे हैं? अब ये तो शासन के ऊपर है, कब होता है क्या होता है ये हम लोग के लिए बता। थैंक यू। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम भुवन जायसवाल है। अच्छा भुवन जी, ये कितने दिनों से आपको ये प्रेरणा कैसे मिली है कि ये वैश्विक महामारी में आप जो योगदान दे रहे हैं अपना और अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अभी तक कितना आप लोगों ने जो है सहयोग राशि अपने जेब से खर्च की है जी लोगों के बीच में? जब कोरोना पैंडमिक शुरू हुआ था तो हमारे परिवार में कई ऐसे लोग थे जो कोरोना से पीड़ित हुए थे, तो हम लोगों ने विचार बनाया कुछ प्रेरणाओं के द्वारा कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, और इसीलिए हमने कई ऑनलाइन ड्राइव्स चलाई, डोनेशन ड्राइव्स। अगर कोई भी जैसे लोग हैं अगर वो हमारे थ्रू डोनेट करके लोगों को ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर पहुँचाना चाहते तो वो ऐसा कर सके, इसलिए हमने लोगों से बात करी, लोगों के घर घर जाके डोनेशन इकट्ठा किए, एंड उसके बाद लेखपाल जी की मदद से और काफ़ी लोगों की सहायता से हमने काफ़ी डोनेशंस भी करी, ऑक्सीमीटर्स की, थर्मोमीटर्स की, एंड वो बीबी मशीन्स की भी। एंड बेटा ये आपके साथ में कितनी टीम है जो आप लोगों हमारी के साथ वैसे तो हमारी 25 लोगों की टीम है, बट इस ड्राइव में हम लोग चार लोग थे साथ में, चार से छः लोग थे साथ में, एंड ऑन फील्ड में चार लोग आज हम हैं, मैं, अनायिका पाठक, समृद्धि एंड शौर्य। अच्छा अच्छा, तो ये समय आज तहसील में आपने पहली बार जो कार्यक्रम किया है वृक्षारोपण वाला जो आप? नहीं नहीं, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम लोग हर महीने आते हैं और ये वृक्षारोपण वाला कार्यक्रम हम लोग करते हैं लेखपाल जी के निर्देशक ने। चलिए चलिए, बहुत अच्छा सहयोग सराहनीय कदम है आपका, अच्छी सोच है। क्या नाम है बेटे आपका? समृद्धि शर्मा। अच्छा बेटा, तुम स्टूडेंट होगी इस समय? जी, जी। उसके बावजूद भी इतना बड़ा संघर्ष कर रही हैं आप कोरोना योद्धा के नाम पे, आपने जितना संघर्ष किया है ये सराहनीय कदम है। अब आगे आपका क्या विचार है? आगे अभी हम लोग ऑर्फिनेज भी विजिट कर चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं वो भी हमारी तरह पूरी तरह कोशिश करें कि हम पूरी तरीके से सबकी सहायता कर सकें हम लोग, और जितना हमसे हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और भी लोग कदम उठाए और सबकी सहायता करें। बेटे आपके साथ कितने बच्चे हैं लड़कियां के जो आप लोगों के सहयोग में लगी हुई? मेरे साथ अनायिका है और बहुत सी लड़कियां हैं जो अपना मदद करने की कोशिश कर रही हैं, और हमारी 25 लोगों की टीम है और सभी लोग अपनी पूरी तरीके से सहायता एक एक करके करते हैं। बहुत अच्छी। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।